भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से अगले महीने जून में 7वीं आर्थिक गणना का कार्य शुरू किया जा रहा है। शुरुआत किस तिथि से होगी ये भी जल्द तय हो जाएगा। हिमाचल में इस कार्य का जिम्मा आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग को दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार की गणना मैनुअल न करके डिजिटल तरीके से की जाएगी। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से अगले महीने जून में 7वीं आर्थिक गणना का कार्य शुरू किया जा रहा है। शुरुआत किस तिथि से होगी ये भी जल्द तय होगा। हिमाचल में इस कार्य का जिम्मा आर्थिकी एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग को दिया गया है। खास बात है कि इस बार की गणना मैनुअल ना करके डिजिटल तरीके से की जाएगी और ये कार्य जिलों में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर के सुपरवाइजरों की देखरेख में पढ़े लिखे रोजगार युवाओं की टीम द्वारा घर घर जाकर सर्वे पूरा किया जाएगा। इसे लेकर आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बीडीओ भवन में किया गया, जिसमें सांख्यिकी एवं योजना विभाग के प्रदेश व जिला स्तर के अधिकारियों के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटरों के जिला प्रबंधक व जिला समन्वयकों को आमंत्रित किया गया था। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक लक्की पुरी और रोहित खत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक गणना का कार्य कैसे किया जाना है, इस बारे में कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना का कार्य पहली बार कागजी तौर पर न करके इसे डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि सर्वे टीम दिन भर परिवारों के पास जाकर आर्थिक गणना का डाटा एकत्रित करेगी और शाम के समय उसे सीएमसी के सुपरवाइजर को सौंपेगी। आर्थिक गणना के कार्य को समुचित रूप से संपन्न करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक मोहिंदर सिंह चंदेल ने जिला के सभी परिवारों से अपील की है कि वह आर्थिक गणकों को सही जानकारी दे ताकि एक मुकम्मल सर्वे किया जा सके, क्योंकि उसी के आधार पर भारत सरकार लोगों के लिए नीतियां एवं कल्याणकारी योजनाएं बना सकेगी। हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है कार्यशाला संपन्न हुई और उसमें 7वें आर्थिक जनगणना में जो भी कार्य किया जाएगा उसके बारे में विलेज लेवल के जो इन्वेस्टर हैं और बीएलई हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। एक कार्य जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के एफओडी डिपार्टमेंट के गाइडेंस में सीएससी फर्स्ट टाइम कर रही है। पहले ये कार्य जो है राज्य सरकार के कर्मचारी किया करते थे, लेकिन इस बार जो संसार की सबसे बड़ी आर्थिक जनगणना है वो कार्य सीएससी फील्ड लेवल पे करेगी और इसके लिए बीएलई के अंडर जो है हर एक उसमें ग्राम पंचायत में इन्वेस्टर का रोल प्ले किया जाएगा, जो कि नए जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड जो बच्चे हैं वो कार्य करेंगे। उनमें सिर्फ उनका जो क्वालिफिकेशन है और उनका एग्ज़ाम जो है सीएससी ने ऑलरेडी हेल्ड कर लिया है और उसमें मेन जो है जो हमारी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो छिपी हुई गतिविधियाँ हैं उनका क्रियाकलापों का सारा विवरण इसी ऐप के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है और फर्स्ट टाइम भारत में पहले कार्य पेन और कागज़ पे होता था, इस बारी आईटी का इसमें यूज किया जा रहा है ताकि जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए और उसका यूज किया जाए। पहले क्या होता था कि कागज़ और पेन पे काम करके हमारे सालों लग जाता था तो हमारे जो है रियल टाइम डाटा नहीं आता था। आज की डेट में जो है एक कार्य आईटी पे करके और ऐप पे करके जो है हम 6 महीने में इसके रिजल्ट जो है पब्लिश कर देंगे। एक कार्य 8 जून से स्टार्ट होगा और एक कार्य 3 महीने में किया जाएगा। पहले ये कार्य जो है 1 साल में पूरा होता था और उसके बाद उनका जो कागज और उनको टेबलेशन करने में बहुत टाइम लगता था। ये रियल टाइम डाटा है और साथ के साथ जो है टेबलेशन हो जाएगा और हमारे DSO जो हैं यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं और ये सारे कार्य जो पूरे इंडिया में किया जा रहा है। तो हमीरपुर में जो है हमारे अंडर हमीरपुर उन्नाव और बिलासपुर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।